Hello friends, welcome back of you in another video in this YouTube channel CE&T Civil Engineering and Technology. Friends, आज जिस वीडियो में सीखेंगे मैं कंक्रीट वॉल्यूम, ठीक फ्रेंड्स, आपने ये देखा होगा कि जी और रोशियो आपका नॉमिनल मिक्स कंक्रीट है या आपका डिजाइन मिक्स कंक्रीट है, तो उसमें आपको क्या होता है कि जो रेशियो आपको गिवन होता है, सपोज कीजिए M25 है, तो उसमें जो रेशियो आपका 1:2:4 होता है, ठीक है, तो इसमें 1 क्या आपका सीमेंट है, तो 1 क्या आपका सीमेंट, इसमें आप क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, इसमें आप वॉल्यूम लेते हैं ना, तो वॉल्यूम आप किससे एज्यूम करते हो, किससे लेते हैं आप, एज्यूम लेते हैं आप एक मेजरिंग बॉक्स से, ठीक है, बट आप सीमेंट का तो वॉल्यूम आप निकालते नहीं हो, सीमेंट को क्या करते हो, बस ओपन करते हो, सीधा उसमें डाल देते हो कंक्रीट मिक्स में, कंक्रीट मिक्सचर में, ठीक है, जो आपकी जो वॉल्यूम होती है वो इस बेस पर आती है आपके कंक्रीट बॉक्स पे, ठीक है, आपका ये सैंड मिक्स जो सैंड है, मेजरिंग बॉक्स है, इसमें आप क्या करते हैं, सैंड फिल करते हैं, ये इस बेस पर होता है कि जो 1 सीमेंट बैग होता है, जो उसकी वॉल्यूम होती है वो होता है 1.226 क्यूबिक फीट होता है, या फिर 35.00357, ओके फ्रेंड्स, 0.03537, तो जो ये वॉल्यूम है इसके बेस पे ही आपके जो निकलती है वॉल्यूम निकलती है। आप रेशियो निकाल रहे हैं 1:2:4, आपने मिक्सचर किया, आपने साइड पे काम करवा रहे हैं, आप क्या करवा रहे हैं, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, अब 15 का रेशियो है, तो 1 रेशियो आपने लिया सीमेंट, ओनली क्या किया आपने, सीमेंट को बस आपने काटा और सीमेंट को उसमें डाल दिया मिक्सचर में, ठीक है, फिर आपने क्या किया, 2, ये 2 क्या आपका सैंड, ठीक है, ये 2 सैंड है आपका, ये मेजरिंग बॉक्स है, आपने क्या किया इसमें 2 सैंड इसको फिल किया, 2 टाइम्स फिल किया, उसको आपने मिक्सचर में डाल दिया, उसके बाद आपका 4 क्या आपके पास एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या किया आपने इसमें फिल किया एग्रीगेट को, और इसने आपने क्या किया मिक्सचर में डाल दिया, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, एक मिक्सिंग हो गया कंक्रीट, ये क्या मिक्सचर क्या हुआ, कंक्रीट, वाटर सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का जो मिक्सचर हुआ आपको कंक्रीट, तो आप सीमेंट को आप क्या करते हैं, सीमेंट का आप वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, सीमेंट की वॉल्यूम अजम्पशन पहले से ही होती है, जो 50 kg सीमेंट होता है, ठीक है, 50 kg सीमेंट होता है, उसकी वॉल्यूम 1.226 क्यूबिक फुट कैसे आई वो अभी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, उसके बाद आपका मेजरिंग बॉक्स हमें देखना चाहिए कि साइड पर आप जो मेजरिंग बॉक्स यूज़ कर रहे हैं उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी जो डायमेंशन होती है वह सीमेंट बैग्स के ऊपर ही होती है, इसमें अगर आप सीमेंट फिल करते हैं तो पूरा एक बैग इसके अंदर फिल हो जाएगा, उससे क्या होगा, वॉल्यूम निकल जाती है, सीमेंट की क्या होती है, वॉल्यूम निकल जाती है, आप सीमेंट इसमें फिल करेंगे तो वॉल्यूम आप, ये क्या होगा, ये मेजरिंग बॉक्स फिल हो जाएगा, सीमेंट को फिर बार बार आप उसमें बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीमेंट को, क्योंकि सीमेंट की पहले से ही एक वॉल्यूम होती है, फिक्स है, तो फिर आप कंक्रीट मिक्सचर बना रहे हैं, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट बना रहे हैं, तो उसमें आप ये यूज़ कर रहे हैं M20 तक M25 तक ओनली सिंपल, उसके आप उससे आप जो यूज़ करते हैं वो डिजाइन मिक्सर होती है जो RMC प्लांट पर आती है, ओके, उसके बाद देखते हैं मेजरिंग ऑफ सैंड एंड एग्रीगेट, जो आपका ये सैंड है एग्रीगेट है इसको क्या करते हैं, मेजरिंग बॉक्स से मेजर करते हैं, ठीक है, 4 मिक्सिंग मटेरियल के लिए, तो इसमें आपकी जो चौड़ाई है इसकी डायमेंशन क्या होती है, ब्रेथ जो चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो वॉल्यूम आती है 30 सेंटीमीटर क्यूब में, आपके ब्रेथ चौड़ाई है, विड्थ है, ठीक है, 35 सेंटीमीटर हो गया, और 25 और 40, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वॉल्यूम आती है सेंटीमीटर में, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर 3500 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको जब वॉल्यूम में निकालते हैं मीटर क्यूब में, एक सीमेंट बैग इसमें फिल करते हैं तो वॉल्यूम क्या आती है आपके पास 0.035, इसको डिवाइड करते हैं 1100, अगर एक मीटर क्यूब में होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो दोनों क्यूब कर देते हैं तो 1 लैक्स, ठीक है, 10 लैक्स के आस नियर अबाउट हो गए, तो उसको डिवाइड करने पर ये आता है आपके पास, ठीक है, उसके बाद आपके पास है लेंथ ब्रेथ डायमेंशन हो गई, वॉल्यूम हो गया, अगर आप इसको क्यूबिक फीट में निकाल रहे हैं तो 1.226 क्यूबिक फीट आएगा, 40 कैसे आएगा देखो, 35 के आपके पास सेंटीमीटर है, और एक सेंटीमीटर में आपको पता होगा 2.54, ठीक है, एक इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर, तो आप क्या निकाल रहे हैं इंच, तो 35 सेंटीमीटर तो डिवाइड करेंगे इंच में कन्वर्ट करने के लिए 2.54 सेंटीमीटर में, ठीक है, इन तीनों को जैसे डिवाइड इसको डिवाइड करने पे ये जो वॉल्यूम आएगी यहाँ पे तो आपकी इंच क्यूब में आ जाएगी, ठीक है, और आपका फीट क्यूब है आपके पास, ठीक है, इंच क्यूब आ गई, इंच क्यूब को इससे डिवाइड करेंगे 1728 से तो आपके पास क्यूबिक फीट में आ जाएगा, इंच जो भी आपके पास वॉल्यूम आएगी इंच में तो डिवाइड कर दे इससे तो आपके फीट क्यूब आ जाएगा, क्लियर, और आपकी डायमेंशन हो गई मेजरिंग बॉक्स की 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आपने क्या किया 250 मिलीमीटर, अगर आपके पास चौड़ाई 225 सेंटीमीटर है
तो 250 मिलीमीटर हो जाएगा मिनिमेंट, अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो भी ये डायमेंशन होगी आपकी इंटरनल डायमेंशन होगी, इंटरनल यानी कि एक्सटर्नल, इंटरनल डायमेंशन आपकी, आपके ये वुड में हो सकता है या आपका फिर स्टील में हो सकता है, ठीक है, आयरन बना हुआ स्टील चादर का। तो फिट में अगर आप मेज़र करेंगे 35 सेंटीमीटर है, आप इसको मेज़र करेंगे 350 मिलीमीटर, ठीक है, इससे मेज़र किए, इससे मेज़र करना आपको, या फिर इससे कीजिए, इसको डिवाइड करना बस 1.4148 फीट में आएगा, या फिर 13.779 इंच, ठीक है। जब इनर इनर डायमेंशन चेक मेजरमेंट करेंगे तो 13.779 इंच, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। बस मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया है 7 मिलीमीटर में, फिट में और इंच में, ठीक है। आपका कंक्रीट मिक्स, जो भी आप कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं, M5 to M25, जो भी आप कंक्रीट मिक्स कंक्रीट यूज कर रहे हैं साइड पे, ठीक है, ऑर्डिनरी कंक्रीट और ऑर्डिनरी कंक्रीट एंड नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, तो जो भी इन दोनों कंक्रीट यूज कर रहे हैं आप इस मिक्सिंग बॉक्स से यूज करेंगे आप साइड पे, तो इससे आप क्या निकल जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। मोस्टली क्या करते हैं आप, तगाड़ी होती है जो तगाड़ी बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें आप सीमेंट क्या करते हैं, इसमें सीमेंट फिल करते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सीमेंट भी आपको वॉल्यूम निकालनी पड़ती है। उसके बाद ये दो टगाड़ी लेते हैं आप, दो तसले या फिर दो टोकरी जो भी है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं आप सैंड फिल करते हैं, ये आपका सैंड, ये आपका सीमेंट, तो ये वॉल्यूम आती है ना, ये भी वॉल्यूम आती है आपके बराबर। पर मैंने एक वीडियो बनाई है नॉमिनल मिक्स कंक्रीट ग्रेड वेट, वेट के अकॉर्डिंग किसके पे, उसके पे उसके जिसके अकॉर्डिंग IS456 2000 के अकॉर्डिंग वेट, अगर सीमेंट का सैंड का एग्रीगेट का जो वेट होगा वो डिफरेंट होगा, तो उसके बेस पे आप वेट का अकॉर्डिंग अगर लेना चाहते हैं तो वेट का अकॉर्डिंग लेंगे, वॉल्यूम का अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो वॉल्यूम के इस तरह से ले लेंगे आप, ओके, रेशियो के जैसे वो रेशियो 1:3:4 रेशियो है, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि जो ये वॉल्यूम है कैसे आई, वन बैग सीमेंट की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो डेंसिटी आपको पता है सीमेंट की होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब में होता है 1440 केजी सीमेंट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, आपको पता है डेंसिटी। उसके बाद देखते हैं मास ऑफ वन बैग, आपको ये पता होगा जो एक बैग सीमेंट होता है उसका जो वेट होता है 50 केजी होता है, ओके। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वन बैग, अब हम निकाल लेते हैं वन बैग की वॉल्यूम, वन बैग वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, अपने यहाँ पे निकाला था वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगर ये अपॉन वन कर देते हैं वॉल्यूम यहाँ पर आ जाती है तो डेंसिटी इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये डेंसिटी। तो जैसे अगर आप कैलकुलेशन से निकालते हैं तो मास क्या है 50 वन बैग का, और डेंसिटी क्या सीमेंट की 1440, तो इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये मीटर क्यूब में है और ये आपका, ठीक है, ये मीटर क्यूब में इतना केजी होता है, ये भी केजी है, तो दोनों केजी है, तो केजी की कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो आपको ये मीटर क्यूब में आपको कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 0.034722 मीटर क्यूब एक्चुअल जो वॉल्यूम आती है वन बैग सीमेंट की। तो उसमें हमने क्या निकाला था वहाँ पे 0.035 निकाला था हमने, तो यहाँ पे क्या था इसको 37 था, तो 0.0347 है, तो इसको इतना वॉल्यूम हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं 0.035, ठीक है, 0.035, तो दो पॉइंट लेने के लिए, ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो एक्चुअल वॉल्यूम आ गई आपकी। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या आपका मीटर क्यूब में, अपने कन्वर्ट क्या किया क्यूबिक फीट में, तो वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इन क्यूबिक फीट में है, तो 0.03472 ये क्या है मीटर क्यूब, और ये क्या आपके पास फीट क्यूब, तो वन मीटर क्यूब में होते हैं 35.3147। ये जो कैसे आया, किस तरह से आया, ये भी वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख लेना, लेंथ ब्रेथ एंड वॉल्यूम, लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम प्लेलिस्ट में, ये भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है, मेरे चैनल इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है। तो मीटर क्यूब है, कन्वर्ट करना आपको फीट क्यूब में, तो टोटल गिनो गुना कर देंगे 1.226 क्यूब फीट आ जाएगा, ओके। एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी, तो बने रहे हमारे साथ, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में कर देना, और तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो पसंद है लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और थैंक यू, बाय बाय।